सो टुडेज टॉपिक इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया और सिंपली राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ओके। सो वी विल कंप्लीट दिस टुडे। दिस टॉपिक इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेशनलिज्म के ऊपर। अच्छा, ये कहाँ कहाँ काम आएगा आपको टॉपिक? एक तो ये एसए पेपर होता है ना, जो जीएस अपना मेंस में, वहाँ पर भी नेशनलिज्म के ऊपर जो कंटेंट आपने देना है उसमें से ये वाला कंटेंट भी डाल सकते हो। दूसरा ये कल्चर और अपना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 1857 का था वैसे ये है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसए में भी काम आएगा, ठीक है। अब राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जहां पर हमने कल किया कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी, आप क्या सोचते हो कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी ये कब से थी इंडिया में? आपको पता, जब हमें आजादी मिली 1947 में, देर वर 560 प्रिंसली स्टेट्स, 560 प्रिंसली स्टेट्स थी 1947 में जब हमें आजादी मिली। तो ये 560 जो थी ये कब से थी, क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो ये यूपीएससी में ये पूछते नहीं है कि ये कब से थी, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो ये क्लासिकल ईरा से थी। कब से? क्लासिकल ईरा, यानी कि आप कह सकते हो कि एंशिएंट इंडिया, तब से ये थी। गुप्ता टाइम पढ़ा ना, गुप्ताज, गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा, तब से ये प्रिंसली स्टेट्स थी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, टॉपिक तो नेशनलिज्म का चल रहा है। देखो, नेशनलिज्म है क्या? ये फीलिंग कि हम एक देश को बिलोंग करते हैं, हम एक नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं। किसको? नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं, हम एक रीजन को बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो रीजन क्या थे? मराठा, राजपूताना, पंजाबी, मारवाड़ी। तो हिंदुस्तान तो कोई आ नहीं रहा था, या तो ये आ रहा था कि पंजाबी, मारवाड़ी, तो या फिर ये आ रहा था हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध। तो हिंदुस्तान कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि हिंदुस्तान कहीं आ ही नहीं रहा था। मैंने कल भी कहा कि रूलर जो थे वो थे मुस्लिम्स, 600 साल मुस्लिम्स ने रूल किया, और जो रूल्ड थे वो थे हिंदूज। सिखिज्म तो 18 सेंचुरी में बाद में आया, बुद्धिज्म, जैनिज्म बीच में आ गया था पहले, लेकिन मेजर मेजॉरिटी तो हिंदूज ही थे। अब जब मुस्लिम यहाँ पर आए तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि कन्वर्ट करने की हिंदूज को, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। इंडिया में आज जितने मुस्लिम्स दिखते हैं वो हिंदूज ही थे पहले, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, वो स्टार्टिंग से नहीं थे। क्योंकि मुस्लिम जो धर्म है ये बाद में पैदा हुआ है, हिंदू धर्म पहले से है। हिंदू धर्म अगर आप देखोगे तो ऋग वेदा, साम वेदा, वो तब से है, वैदिक एज से है, लेकिन मुस्लिम जो है वो बाद में ओरिजिनेट हुआ है रिलीजन। अब मुस्लिम रिलीजन ने जब ओरिजिनेट हुआ तो उनमें ये एक्सपेंशन का होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी एक्सपेंशन का रहता है, क्रिश्चियनिटी में भी एक्सपेंशन का रहता है, और मुस्लिम्स में भी एक्सपेंशन का रहता है, चाहे वो पॉपुलेशन बढ़ा कर एक्सपेंड करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन उनमें ये है कि हमने एक्सपेंड करना है, चाहे वो किसी दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट करके करना हो। तभी जब मुस्लिम्स इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद भी बनाई, ठीक है। अभी राम जन्मभूमि का मसला भी इसमें से ही एक मसला है, जगन्नाथपुरी का भी जो मसला, जहाँ जितने भी हमारे कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, सारे पहले मंदिर ही थे, अब वो सारे मस्जिद में कन्वर्ट हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हम रिलीजन डिस्कशन तो कर नहीं रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं नेशनलिज्म की।
तो नेशनलिज्म की जब भी डिस्कशन होएगी ये पॉइंट जरूर आएगा कि हमारे देश में नेशनलिज्म था या नहीं था। हमने देखा 1857 के टाइम पर नेशनलिज्म वॉज मिसिंग। व्हाई इट वॉज मिसिंग? दैट प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। प्रिंसली स्टेट्स, मैनी प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। वो वाली प्रिंसली स्टेट्स लड़ी जिनको अपने राज जाने का खतरा था, जैसे झांसी, ग्वालियर, ठीक है। बाकी नहीं लड़ी, सिंधियाज, होलकर्स नहीं लड़े क्योंकि उनको कोई खतरा ही नहीं था, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो इतना डिवेलप नहीं हुआ था। हाँ, 1857 को तभी फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बोला जाता है कि चलो थोड़ा बहुत नेशनलिज्म आया, लेकिन आया तो सही। हमने कभी मुगल्स के खिलाफ आवाज नहीं इकट्ठे होकर नहीं उठाई, ठीक है। मुगल्स के खिलाफ राजपूत लड़े, मुगल के खिलाफ सिख्स भी लड़े, मुगल्स के खिलाफ मराठास भी लड़े, आपने पढ़ी होगी उनकी लड़ाइयां। लेकिन मुगल्स के खिलाफ क्या पूरा इंडिया लड़ा? नहीं लड़ा, बिकॉज नेशनलिज्म वॉज मिसिंग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया इकट्ठा होकर मुगल्स को बाहर फेंकाने की कोशिश की, नहीं हुआ कभी ऐसा। इनफैक्ट होता यह था कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, हम लोगों की अपनी किंगडम्स की लड़ाइयां खत्म नहीं होती थी। और अंग्रेजों ने भी यही किया, डिवाइडेड रूल, हमको आपस में लड़ाया, पंजाब को लड़ा दिया दूसरी स्टेट के साथ, तीसरी स्टेट को चौथी के साथ लड़ा दिया और खुद रूल करते रहे। बंगाल में इन्होंने सबसे पहले सिराजुद्दौला के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने यही तो किया। सिराजुद्दौला बंगाल में, आप पढ़ोगे जब एनसीईआरटी में आपको पता चल जाएगा, इन्होंने डिवाइडेड रूल किया। किंग मेकर्स थे, सईद ब्रदर्स किंग मेकर्स, वो ये उनको पावर देके तो खुद रूल करते थे, इनडायरेक्ट रूल खुद करते थे, बाद में ये खुद भी रूलर बन गए। पहले इन्होंने क्या किया कि किंग बना देते थे, हम तेरे को किंग बनाएंगे, तू किंग बन जाएगा और तेरे को आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम देंगे, आर्मी की सपोर्ट, आर्टिलरी की सपोर्ट हम देंगे, लेकिन किंग तू बनेगा, काम तू हमारा करेगा। लेकिन बाद में इन्होंने कहा ये भी क्यों, हम खुद ही किंग बन जाते हैं। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया और पूरे देश को खुद ही कंट्रोल करने लगे। बाद में 1857 के बाद जब रिवॉल्ट हुआ और इनको खतरा पैदा हुआ तो सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को की हटाकर इन्होंने ब्रिटिश क्राउन को दे दी और फिर ब्रिटिश क्राउन ने हमारे ऊपर 1947 तक रूल किया। 1858 से 1947 तक 90 साल। तो नेशनलिज्म वॉज मिसिंग, द पॉइंट इज नेशनलिज्म वॉज मिसिंग, राइट। अब हम ये टॉपिक है हमारा राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इंडिया में नेशनलिज्म राइज कैसे हुआ ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने तो हमारे में नेशनलिज्म आ गया। अब ये अजीब सा लगता है कि मॉडर्नाइजेशन से आने से नेशनलिज्म कैसे आया, क्या लिंक है? लिंक ऐसे बना कि पहले इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बंगाली, मराठी, कश्मीरी, लेकिन अब जब मॉडर्नाइजेशन आई तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश पढ़ो, तो एक देश को एक ही लैंग्वेज मिली, इंग्लिश। आपको पता है मुगल जब रूल था तो मुगल तो इतने बेवकूफ थे नहीं कि वो हिंदी को बढ़ावा देंगे, उन्होंने बढ़ावा दिया अरबी फारसी को, ठीक है। तो हम अरबी फारसी को लाइक नहीं करते थे, हम अपने रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा लाइक करते थे, रीजनल, जैसे पंजाबी हो गई या मराठी हो गई। तो हमने कभी हिंदी का यूज़ नहीं किया, संस्कृत का यूज़ नहीं किया। तो मुगल्स जब गए तो अंग्रेज आए तो इन्होंने मॉडर्न चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया। एक तो साइंस, मॉडर्नाइजेशन के अंदर डिफरेंट चीज़ें आएंगी, एक तो साइंस, साइंस की टीचिंग इन्होंने स्टार्ट की, इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग जो थी वो स्टार्ट की साइंस में।
बड़ी सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने हमें बताई कि ऐसे ऐसे है, क्योंकि आपको पता है इसी टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, राइट? पता नहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी टाइम पे हुआ था, वो भी ब्रिटेन में। सबसे पहले वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में ही हुआ है। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सारा काम मशीन से होने लगा, कपड़ा वगैरह सारा कुछ मशीन से बनने लगा, तो इंडिया में भी उन्होंने वही सारी टेक्नोलॉजी लाई। मीन्स टेक्नोलॉजी मशीनरी तो नहीं इंडिया में लाई, लेकिन हमें ज़रूर इतना ज़रूर पता चला कि इन जो हमारा रूलर है उसके कंट्री के अंदर इंडस्ट्री लग चुकी है। उससे हम बड़े उत्तेजित हो गए, हमने कहा ये हमारे यहाँ पर भी इंडस्ट्री लगाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये गलती नहीं की, उन्होंने ये इंडस्ट्री को कभी हिंदुस्तान में नहीं लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पर लगाया होता तो हम हमारा कंट्री डिवेलप हो जाता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर, वो हम अलग से करेंगे कि हम वो कैसे ट्रेड करते थे। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर उन्होंने साइंस इंट्रोड्यूस की, इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जो कि हमारे लिए न्यू थी, जैसे कि बिलीविंग इन लॉजिक, लॉजिक का यूज़ करना हर चीज़ के अंदर। हम लोग बड़े सुपरस्टिशियस थे, हम लोग सती प्रथा में विश्वास करते थे। जब कोई विधवा हो जाती थी लेडी तो उसकी शादी नहीं हो पाती थी, फीमेल को अच्छा नहीं समझा जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। तो हम लोग इस तरह के वहमी लोग थे। तो अंग्रेज़ों ने जब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, हमने कहा अंग्रेज़ हूँ तो अच्छा लग रहा है हमें, तो हम एक मीन्स नेशनलिज्म की भावना आने लगी कि हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो चीज़ नेगेटिविटी में बदल गई, हमें ये लगा कि ये चीज़ें अच्छी तो हैं लेकिन हम ये खुद भी कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, देश की पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, देश की इकोनॉमिक यूनिफिकेशन और देश की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, राइट? ये तारों का बड़ा चक्कर है, फंसती है ये तारे ना, कॉर्डलेस माइक होता है वही लगाना। तो देखो, देश की पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश जो है वो पॉलिटिकली एक ही रूलर के अंदर है, एक ही रूलर के अंदर। रूलर कौन है? ब्रिटिश, ब्रिटिश क्राउन हो या ईस्ट इंडिया कंपनी हो, लेकिन रूलर एक है। आप बोलोगे सर ये तो मुगल के अंदर भी ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट थी। मुगल्स हम जैसे लगते थे क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स भी थे, लेकिन इंडिया में अंग्रेज तो नहीं ना थे, ये थे अंग्रेज, वाइट रेस थी, तो हमें ये लगते थे थोड़े अलग, दिखने में अलग लगते थे, इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, दिखने में भी अलग थे। तो हमें लगता था कि यूनिफिकेशन तो हो गई देश की, देश तो बन गया है, देश तो है ही है, लेकिन ये रूलर कौन है? ये तो आउटसाइडर है, इसको तो भगाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचो क्या होगा? पॉलिटिकल को तो हो गया कि हमने देश को वैसे कर दिया है ना, लेकिन इकोनॉमिक सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन का क्या मतलब होगा? क्या? यस एग्जैक्टली राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, जो कानून बनाए अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, ये सारे ब्रिटेन से उठाकर यहाँ पर ले आए। और देश तमिलनाडु में भी यही रूल रहेगा, यही ला रहेगा, और J&K में भी यही ला रहेगा, पंजाब में भी यही ला। तो इंडिया जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक ही लॉज के अंडर आ गया, इससे नेशनलिज्म बढ़ा। और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन यानी इकोनॉमिक लॉज जो आए वो भी पूरे देश के लिए सेम,
ये नहीं है कि बंगाल के लिए अलग और पंजाब के लिए अलग, सारे तो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इकोनॉमिकली सब कुछ सेम हो गया इंडिया के अंदर, जिससे नेशनलिज्म बढ़ा। थर्ड पॉइंट इज वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट, वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट। अब जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में पढ़ाई जा रही थी उसने नेशनलिज्म को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। वो कैसे? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज थी जो सारे पढ़ रहे थे, दूसरा जो नेशनल जो हमारी एजुकेशन थी इनकी उसके अंदर भी कुछ ऐसे पोइट्स थे, राइटर्स थे, शेक्सपियर जैसे, मिल्टन जैसे, जिन्होंने क्रांतिकारी पोइम्स लिखी। फ्रीडम के ऊपर बड़ा जोर देते थे वो अंग्रेज राइटर जो थे, रोजो, मिल्टन, इनकी जो बुक्स थी, इनकी जो पोइम्स थी, उससे जब इंडियंस पढ़ते थे तो उनको बॉन्डेज से हटने का मन करता था। बॉन्डेज यानी बंदगी से, गुलामी से हटने का मन करता था। तो वो कहते थे हम अंग्रेजों से ही पहले निजात पाएंगे, फिर हम आजाद हो जाएंगे। गॉट इट? तो ये था मॉडर्न एजुकेशन एंड थॉट। थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉट में आ जाएंगे राइटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इंडिया में। देखो जब प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटेन, प्रिंटिंग प्रेस जो थी जब इसका इन्वेंशन हुआ, जब न्यूज़पेपर वगैरह बनने लगे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया नेशनलिज्म स्प्रेड करने में, क्योंकि नेशनलिज्म, अब जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे लोग, तिलक जैसे क्रांतिकारी लोग या बाकी होंगे जैसे क्रांतिकारी लोग, जब न्यूज़पेपर मैगजीन्स में वीकली न्यूज़पेपर्स होते थे, डेली न्यूज़पेपर, उनमें जब आर्टिकल्स हिंदुस्तानी लोग लिखने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह, जब ये सारा कुछ हम लोग उनकी बुक्स पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, तो हमें लगा कि नहीं यार आज़ादी, आज़ादी चाहिए हमें, ये गुलामी से हमने नहीं रहना है, ठीक है। तो प्रेस का देखो उस टाइम टीवी रेडियो नहीं होते थे, टीवी रेडियो नहीं होते थे, सबसे पहले प्रेस ही हुई है ना, न्यूज़ हम जो है वो वहीं से सुनते थे, ठीक है। इसलिए प्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। नेक्स्ट इज लिटरेचर, रोल ऑफ लिटरेचर, वही ये भी प्रेस के अंदर ही आ जाएगा कि बुक्स वगैरह का काफी जो था वो रोल रहता था। नेक्स्ट इज राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। ये इंटेलिजेंसिया क्या है? इंटेलिजेंसिया यानी पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, आजकल हम यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल, उस टाइम यूज करते थे इंटेलिजेंसिया, लेकिन ये मिडिल क्लास था। आज भी जो मिडिल क्लास है वो मिडिल, वो इंटेलेक्चुअल जो आज भी है वो भी मिडिल क्लास से ही है, उस टाइम भी मिडिल क्लास से ही थे, अपर क्लास से इंटेलिजेंसिया बहुत कम आता है, ठीक है, या लोअर क्लास से भी कम आता है, ज़्यादा मिडिल से आता है। तो ये जो क्लास थी ये कहाँ से आई थी? ये ज़्यादातर बाहर की यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए थे लोग, जैसे आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जितने भी हमारे कांग्रेस के ग्रेट लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी जी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे बाहर से एजुकेशन लेकर, इवन गांधी जी भी इंडिया में आए थे। तो ये इंटेलिजेंसिया थे, एक पढ़ी लिखी जमात थी, एक पढ़ी लिखी कौम थी। तो ये जो ये कहते थे उनको देश सुनता था। तो जब इन्होंने ये कहना स्टार्ट किया कि अंग्रेज बुरे हैं, तो बाकी जनता को भी लगने लगा कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, जब ये कह रहे हैं अंग्रेज बुरे हैं, हमारे लिए इनका रूल बुरा है, तो सच में हमारे लिए रूल जो है वो बुरा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर मनमोहन सिंह ये बात कहता है कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो जनता सचमुच मानती है कि हाँ, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। अगर पी चिदम्बरम ऐसी बात कहता है, वो भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। अगर सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, वो भी कहता है कि इकोनॉमी डाउन है, तो लोग मानते हैं। लेकिन अगर कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा ना हो, वो बोल दे कि इकोनॉमी डाउन है, उसकी बात लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है।
देन नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव करेक्टर. Of socio-religious reform movements, progressive character of socio-religious reform movements. हमारे यहाँ पर जब socio-religious reform movements हुए, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, different जैसे सती प्रथा पे बैन लगाया गया, विडो रीमैरिज स्टार्ट की गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन किया गया, मैरिज जो एज गर्ल्स की जो एज थी मैरिज की उसको बढ़ाया गया, लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए, तो ये जो रिफॉर्म्स थे ये हमें बड़े अच्छे लगे और इससे भी नेशनलिज्म बढ़ा. ये इनका प्रोग्रेसिव करेक्टर था रिफॉर्म्स का. देखो अंग्रेज हम जनरली कहते हैं कि बुरे थे, लेकिन अंग्रेजों में कुछ गवर्नर जनरल ऐसे भी हुए जैसे लॉर्ड रिपन. रिपन वाज अ वेरी गुड गवर्नर जनरल. उसने बड़े सारे रिफॉर्म्स लाए इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लॉर्ड रिपन ने ही लाए हैं. प्रोग्रेसिव करेक्टर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो कुछ गवर्नर जनरल अच्छे भी थे जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम आज भी उनको याद करते हैं. तो हमें लगने लगा कि ये तो अच्छे काम कर रहे हैं अंग्रेज, तो हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा देश डेवलप हो रहा है, और ये दकियानूसी जो चीज़ें हैं ये बंद हो रही हैं, सती प्रथा जैसी, तो इसलिए अब हमें और डेवलप होना है, अब हमें इनसे अंग्रेजों से निजात पानी है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्पोरेरी यूरोपियन इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्पोरेरी यूरोपियन मूवमेंट्स. यूरोपियन मूवमेंट्स जो थी इस टाइम पर वो चल रही थी यूरोप में भी. बाद में कुछ ऐसी मूवमेंट्स चली जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन तो रशिया में चला. उनसे हमने बड़ी प्रेरणा ली, हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्रांति